हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी, जिसमें हमने पार्ट टू तक बात की थी। और पार्ट टू में हमने बताया था कि डिग्री में एंगल कैसे चेंज होगा, कैसे रेडियन में एंगल चेंज होगा, तो उसके लिए बात की थी। आज उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्री और रेडियन में कैसे कैसे एंगल हमारे चेंज हो रहे थे, तो उस पर एक बार बात कर लेते, फिर इसके बाद अगली वैरायटी पे बात बढ़ते हैं। तो जैसे कोई एंगल अगर डिग्री में होता था, किसी अगर एंगल के लिए बात करें डिग्री में होता था, और उसको अगर रेडियन में बदलना चाह रहे थे, तो वहां पे हम पाई बाई 180 का मल्टीपल करवा के वो रेडियन में वैल्यू आती थी। वैल्यू क्या आती थी? रेडियन में। ठीक है, अगर कोई एंगल रेडियन में होता था और उसको अगर हम डिग्री में चेंज करवाते थे, तो 180 अपान पाई से मल्टीपल करवा के डिग्री वैल्यू किसमें आती थी? डिग्री में। तो यहाँ तक हमने बात बताई थी। आगे हमने घड़ी पे भी क्वेश्चन करवाए थे और एंगल के बारे में बताया था, कुछ वैल्यू भी बताई थी, त्रिकोणमिति जो होती है उनके लिए बात की थी। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो वैल्यू होती है साइन और कॉस की, उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चार्ट बना लेंगे कि किस तरीके से वैल्यू होगी जाके और कैसे कैसे होगा जाके। तो जो सबसे पहले आएगा तो क्या आएगा? जीरो। जीरो के बाद क्या आएगा? 30 के बाद क्या आएगा? 60 के बाद क्या आएगा? 30 के बाद क्या आएगा? 45 के बाद क्या आएगा? 60। और 60 के बाद क्या आएगा? 90। ओके, इस तरीके से 45, 60 और 90। 30 को क्या लिखा जा सकता है? 30 को लिखा जा सकता है पाई बाई 6। 45 को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाई 4। एंड 60 को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाई 3। 90 को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाई 2। दिस, ठीक है। तो ये एंगल हुए, इनके बारे में बात हुई, और ये इसको हम अगर चलें तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए ये और ये, दिस एंड दिस। तो सबसे पहले अगर बात करें तो साइन होता है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 6 के लिए वैल्यू क्या होती है? तो 1/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 60 के लिए बात करें तो ये हो जाता है √3/2। एंड cos 90 की, सॉरी, sin 90 के लिए वैल्यू बात करें तो यहां पे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू pi by, सॉरी 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 दिस इज 1। ओके, अब आगे बात करते हैं। sin के बाद क्या आता है? cos आता है। तो यहां से cos के लिए बात करें तो यहां से देखो cos 90 क्या होता है, cos 0 क्या होता है? 1, क्योंकि यहां से इसका रिवर्स है। चलो तो cos 30 क्या होता है? यहां पे देखो cos जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की होगी जाके, तो यहां पे क्या होगा? √3/2। cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। cos 60 क्या होता है? 1/2। एंड cos जो 90 होता है वो वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब फिर इसके बाद में चले तो tan के लिए बात आती है। tan 0 क्या होता है? 0। tan 30 क्या होता है? 1/√3। tan 30 क्या होता है? 1/√3। tan 45 क्या होता है? 1। tan 60 क्या होता है? √3। एंड tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। tan की बात करें तो बात आती है cot की। cot 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। cot 30 क्या होता है? तो √3। cot 45 क्या होता है? दिस इज 1। cot 60 क्या होता है? तो 1/√3। एंड cot यहाँ पे 90 के लिए बात करें तो cot 90 कितना होता है? 0। इसके बाद आगे बात करें तो आगे इसके बाद बात क्या आती है? sec की। ठीक है, sec, तो sec 0 क्या होता है? sec 0 के लिए बात करें तो sec 0 1। sec 0 क्या होता है? 1। sec 30 के लिए बात करें तो sec 30 क्या होता है? 2/√3। 2/√3। sec 45 क्या होता है? √2। एंड sec 45, sec 30 क्या होता है? sec 60 क्या होता है? तो 2। sec 60 क्या होता है? 2। और sec 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। फिर आगे बात करें तो आगे बढ़ें तो यहां से आती है बात इसके बाद cosec की। तो cosec 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। cosec 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के बाद में cosec 30 क्या होता है? तो यहां से 1/2, तो ये हो जाएगा 2। cosec 45 क्या होता है? √2। cosec 60 क्या होता है? 2/√3। एंड cosec 90 जो होता है, दिस इज 1। तो इस तरीके से वैल्यू जो है, ठीक है, तो वैल्यू जो है इस तरीके से हमें याद रखनी है। आगे
90 के बाद आती है 130, 120, 135, 150 and 180 तक वैल्यू जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ती रहती है, बस आगे साइन चेंज होता रहता है, किस हिसाब से कौन सा साइन आएगा उस हिसाब से आपको या लर्न करना होता है और आप इसको ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मतलब त्रिकोणमिति वैल्यू है, इनको किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे कैसे मान है उनको आपको याद रखना है। याद भी होगा क्योंकि आपने 10th में 11th में 12th में पढ़ा है तो याद भी होगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे इसी में वैरायटी पे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी नई वैरायटी है, तो इसपे क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन के लिए क्या बात आती है, तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास साइन 6 की पावर थीटा प्लस कॉस 6 की पावर थीटा, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो साइन की पावर कितना लिखा, 6 थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितना 3, इसको क्या लिखा जा सकता है तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना 3, और इधर क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। और ये क्या है, इसको अगर रिलेट करें ए क्यूब बी क्यूब से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में दूसरे में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस का बी स्क्वायर, तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2ab, सॉरी माइनस ab होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है ये इस तरीके से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हुई। यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें कि एक बार प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का तो चल ही रहा है, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा दिस। ठीक है, अब यहां पे इसको बनाओ, जब इसको बनाओगे क्या बनाओगे, तो यहां से इसको पूरा यहां तक ले जाओ, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा जाके sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा की पावर 2, और यहां पे 2 ये और एक ये कितना हो गया 3 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां पे हो गया प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से इससे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हुई जाके 1, इसकी वैल्यू क्या हुई जाके 1, और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही आएगा। तो आप अगर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके पास में, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हीट एंड ट्रायल लगाना है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले जो देखा जाता है कि क्वेश्चन का तरीका कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले यही देखा जाता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप इसमें हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, कैसे देखिए, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू पता है साइन की या कॉस की किसी की वैल्यू, यहाँ पे साइन कॉस दोनों दिखा हुआ, तो 0 से लेके 90 तक वैल्यू 0, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये वैल्यू आपको पता है, तो इसमें आपको जो वैल्यू सरल लगे उसमें मान रखो, और तुरंत ऑप्शन आंसर आपके पास आएगा कि किस तरीके से आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप जो भी मानो, जो भी 0 रखना चाहो, 90 रखना चाहो, 45 रखना चाहो, 60 रखना चाहो, कुछ भी वैल्यू लिखो, तो उसके लिए आंसर आपको मिलेगा। मैंने माना कि यहाँ पे आप 90 रखो, तो साइन 90 क्या हो जाएगा यहाँ से 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे साइन 90 1, कॉस 90 0, तो पूरा 0, तो क्या हो जाएगा पूरा 0,
क्या मिलेगा वन, क्या मिलेगा वन। अगर आप यहाँ पे जीरो रखा हो, क्या रखना है जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, प्लस का काप जीरो कितना हो जाएगा वन, और यहाँ पे साइन जीरो काप जीरो क्या हो जाएगा वन, तो उससे भी आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला ही। तो यहाँ से देखो हीट एंड ट्रायल के लिए यही होता है पढ़ना कि सबसे पहले देखना है, इसके बाद आंसर देखो, थोड़ा अगर लगे क्लू लगे कि नहीं हमें इस तरीके से वैल्यू मिल सकती है, हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से भी करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और क्वेश्चन हल करने में मदद भी मिलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है एनडीए में आता है और नेवी एयरफोर्स हर एक में आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको दोनों तरीके याद रखने हैं। अगर आप उससे भूल रहे हैं तो आप इससे डायरेक्ट सीधे मेथड से लगाइएगा जिस तरीके से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक तो आपको पता ही हो कम से कम, फिर इसके बाद में चीज़ें करी जाती हैं और तभी इनको लगाना थोड़ा सही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, साइन की पावर साइन क्यूब अल्फा क्वेश्चन में है 1 cot alpha, ठीक है, और प्लस cos क्यूब अल्फा इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 tan alpha, क्या लिखा हुआ है 1 tan alpha, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि वैल्यू क्या क्या आएगी। तो यहाँ से देखो, पहले साइन क्यूब अल्फा लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, और इसको इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 1 cos alpha बटी क्या साइन अल्फा प्लस का, यहाँ पे cos क्यूब अल्फा लिखा हुआ उसको ब्रेक करो तो 1 sin alpha बटी क्या हो जाएगा cos अल्फा, इस तरीके से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, इधर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस का cos अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा पूरा साइन अल्फा प्लस का साइन लगाओ, ये लिखा हुआ है cos क्यूब अल्फा, इसको जब करोगे जाके तो cos अल्फा प्लस का साइन अल्फा, और नीचे हो जाएगा प्लस का cos अल्फा, क्या हो जाएगा cos अल्फा, इससे ये ब्रेक होगा जाके, जब इससे ये ब्रेक होगा जाके साइन अल्फा cos अल्फा दोनों में है तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये कॉमन हो जाएगा साइन अल्फा प्लस का cos अल्फा, अंदर बचेगा इधर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, उधर बचेगा क्या cos स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर हमें क्या मिलेगा जाके sin अल्फा प्लस का cos अल्फा, दिस इज द आंसर, ओके। तो ये बहुत बढ़िया अप्रोच थी, और इसमें देखो इसमें जो इसमें भी हीट एंड ट्रायल आप कर सकते हो, तो हीट एंड ट्रायल इसको ऑप्शन देख के ही करना पड़ेगा कि ऑप्शन हमें किस तरीके से दे रहे हैं, तो ऑप्शन में भी वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और आपको वहां भी वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहां से अगर देखो, यहां पे अगर वैल्यू आप क्या रखें, क्या रखनी है, क्या रखनी है, मान लो जीरो रख लो, 90 रख लो, देखो आता है, यहाँ से जीरो रखोगे, यहाँ से देखो जीरो एंड 90 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो, मेरे अकॉर्डिंग 90 रखो, 90 रखो तो यहाँ से साइन 90 वन, और कॉस 90 इनफिनिट मतलब नहीं, यहाँ से कॉस 90 जीरो तो मतलब वो छोड़ दो, क्या आएगी वन, और यहाँ पे इसमें 90 रखो तो साइन 90 वन, कॉस 90 जीरो तो क्या आएगा वन, ठीक है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगेगा, उसको उस हिसाब से ही करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है तो कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ एक्स इज एक्यूट एंगल देन, एक्स जो है एक्स इज एक्यूट, इफ एक्स इज एक्यूट देन, तो कह रहा है देन रूट 1 sin x / 1 sin x, इस तरीके से कुछ मान दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है, क्या इसका मान सॉल्व करना है, क्या है एक्यूट है तो मतलब न्यून कोण है, मतलब 90 से यहाँ से 90 से जो x का मान है 90 से छोटा है, ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है 1 sin x, क्या लिखा हुआ है 1 sin x / 1 sin x, यहाँ से नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर तो ये हो जाएगा 1 sin x / 1 sin x, यहाँ से देखो ऊपर हो जाएगा 1 sin x की पावर कितना 2, और नीचे हो जाएगा 1 sin² x, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, इस तरीके से रूट में इसको सही से लिखोगे तो 1 sin x / क्या हो जाएगा cos x, और पूरे की पावर कितना 2, और क्या होगा रूट, जब ये रूट होगा पावर 2 होगी तो पावर से रूट जो होगी ये कैंसिल हो जाएगी,
कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बच के आएगा वन अपान साइन एक्स अपान कॉस एक्स, अलग अलग भाग दो तो वन अपान कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्या होगा जाके कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो वन अपान साइन एक्स सॉरी वन अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो वन अपान कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स। दिस इज द आंसर, क्या है दिस इज द आंसर। तो यहां से देखो अब यहां से वैल्यू एंगल के लिए जो अप्लाई करवानी है रखो, तो यहां से साइन सेक जीरो क्या आएगा, सेक जीरो क्या आएगा जीरो, टेन जीरो क्या आएगा जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या आएगा जीरो, ठीक है। और यहां से देखो जीरो माइनस जीरो क्या आएगा सेक जीरो, टेन जीरो क्या आएगा जीरो जीरो आएगा। और कुछ रखो, और कुछ रखो तो यहां से देखो क्या रखना है, 45 के लिए रखवा लो क्योंकि 90 से कम कह रहा है, ठीक है 90 से कम के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या रखो जीरो ही रखना उचित होगा। तो जीरो रखो, साइन जीरो क्या आएगा जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, और वन प्लस जीरो क्या आएगा वन ही, तो मतलब वैल्यू क्या मिलेगी वन। तो सेक जीरो क्या आएगा वन, और सेक सेक जीरो क्या आता है वन, और टेन जीरो क्या आता है जीरो, तो सेक जीरो वन टेन जीरो वन क्या आएगा वन ही तो आएगा। और यहाँ भी ऊपर वन मिल रहा है नीचे भी वन मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्स एक्यूट अंदर है 90 से कम लेना है। तो सेक जीरो अगर जीरो वैल्यू लगवाएं दोनों में तो वहां पे वन माइनस जीरो वन ही आएगा, और यहाँ पे वन माइनस जीरो क्या आएगा वन ही आएगा। ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन हमारा उसी से लग जाएगा, ठीक। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा देखो क्वेश्चन, अगला हमारा जो है कुछ इस तरीके से है, लिखा हुआ है वन प्लस साइन सॉरी यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन। अब यहां पे जब इसको उस तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, या साइन थीटा बटे लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा बटे क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा, तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैक किया तो वन प्लस कॉस थीटा इनटू वन माइनस कॉस थीटा, तो यहां से साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इस तरीके से कुछ मिल रहा है तो इनके लिए वैल्यू अप्लाई करवाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है इसी में, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए, होता भी है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इस तरीके से, या इसको जब ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा बराबर वन प्लस साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा, ओके। तो इसमें एक बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दूसरी वैरायटी है हमारी चल रही सॉरी ये तीसरी वैरायटी है, और यहाँ से अपने हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बार ये आया एक बार ये आया, दूसरा अगला हमारा जो क्वेश्चन है तो उसको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है प्लस का साइन है प्लस वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इस तरीके से है, और बराबर कुछ नहीं है, बराबर में प्रूव करना है कि क्या आएगा, बराबर क्या करना है प्रूव करना है क्या आएगा, साइन थीटा बटे वन थीटा साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें वैल्यू अप्लाई करना है कि साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, या वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसको क्या लिखा जा सकता है, किसी को भी दोनों देखो बराबर लिखा होगा, दोनों में किसी को क्यों चेंज कर लो, तो मैंने क्या किया कि साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ उसको वहां ले जाओ, तो
साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है, तो यहाँ से साइन थीटा ये हो गया, साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, और इधर वन प्लस कॉस थीटा दिया ही है, ये बटे क्या है साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे देखो साइन थीटा एलसीएम में क्या हो गया साइन थीटा, एलसीएम में साइन थीटा हो गया तो वन माइनस क्या हो गया वन माइनस कॉस थीटा प्लस का वन प्लस का कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल और यहाँ से साइन कैंसिल, क्या आया दो आया, क्या आया दो आया, क्या आया दो आया। यार इसमें किसी को भी चेंज करोगे तो आपको जो आंसर मिला है दो ही मिलेगा, ठीक है। अब वैल्यू अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहा है, हाँ वैल्यू अप्लाई कर लो, कुछ भी अप्लाई कर लो, क्योंकि आप जो मान थे ऑप्शन में ऑप्शनल जो आपकी वैल्यू थी, तो ए ऑप्शन में देखो लिखा हुआ था एक, बी में लिखा हुआ था दो, बी में क्या लिखा था दो, और सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा था तीन, और डी में लिखा हुआ था चार, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें वैल्यू अप्लाई कर दो, अगर आपको रिटन ट्रायल से लगाना है तो जीरो से लेकर 90 तक वैल्यू अप्लाई करो, मैंने कहा कि 90 रखो, मेरे अकॉर्डिंग 90 रखो थोड़ा सही आएगा, साइन 90 वन, साइन 90 वन, वन प्लस कॉस 90 जीरो, तो क्या आया वन, क्या आया वन, यहाँ पे वन प्लस कॉस 90 जीरो क्या आएगा वन, साइन 90 वन क्या आएगा वन, वन प्लस वन क्या आएगा टू, वन प्लस वन क्या आएगा टू, 90 और कॉस जीरो रखो, क्या रखो जीरो रखो, तो जीरो रखने से साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो क्या हो गया साइन जीरो जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो, जीरो बटे एक प्लस का जीरो बटे जीरो बटे एक जीरो बटे एक जीरो बटे एक, एक बटा दो एक बटा दो, जीरो से अप्लाई नहीं होगा, 90 से ही 90 से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा ये, ठीक है। हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, जीरो और उसके बीच में वैल्यू जो भी है रखो, और उससे अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सही होगा जाके, तो ये वन प्लस वन क्या आ गया टू। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय 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 एंड गुड नाइट। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।